नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन के शेयर के बारे में। वोडाफोन आइडिया का शेयर जो पैनी शेयर है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसका जो रीजन है कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर हैं, तो समझ सकते हैं ये जो हमारे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स है। जबकि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अभी बहुत सारी ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका माइंड सेट होता है कि हम जो है 4 रुपये के शेयर को हज़ारों शेयर बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको कुछ पैसों में बढ़ता है, देख सकते हैं 5 पैसे का इसमें डिक्रीज हुआ है। तो जबकि आप एक ब्लू चिप शेयर खरीदते हैं तो वो आपको बहुत ही तेज मोमेंटम भी दे सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट हमारा ऊपर जाता है। इसलिए आप ब्लू चिप शेयर में इन्वेस्ट करें ज़्यादा बेहतर होगा। आज देख सकते हैं ये हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वोडाफोन आइडिया का, वो है 4 रुपीज़ 10 पैसा, और जो हमारा आज प्रीवियस क्लोजिंग था 4 रुपीज़ 15 पैसा, आज ओपन हुआ 4 रुपीज़ 25 पैसा पर, और हाई गया 4 रुपीज़ 30 पैसा और लो गया 4 रुपीज़ 10 पैसा जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो ट्रेडिंग हुआ है पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर में से एक है। तो यहाँ पर आते हैं, देख लीजिए हम ट्रेडिंग पे। तो यहाँ पर देखिए कितना ट्रेडिंग है, 18 करोड़ 49 लाख 33,906, इतना कुल ट्रेड हुआ है क्वांटिटी वोडाफोन आइडिया का, जिसमें से डिलीवर हुआ है हमारा 5 करोड़ 28 लाख 55,506 शेयर। इतना शेयर जो है हमारा डिलीवर हुआ है, डिलीवरी के लिए इतना शेयर लिया गया है, जिसका परसेंटेज है टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 28.58%। टोटल जो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का इतना परसेंट डिलीवर हुआ है, तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाते हैं। प्रमोटर्स के पास है हमारा 72% क्वांटिटी इसके टोटल शेयर का, और पब्लिक के पास है 27.95%। तो ये देखते हैं 31 मार्च को अपडेट हुआ है, मतलब पिछले क्वार्टर, और इस क्वार्टर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और जो टोटल प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है उसमें से कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास जो टोटल का टोटल शेयर है उसमें से कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। तो देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया कितना बड़ा पसंदीदा शेयर है रिटेल इन्वेस्टर का, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्यों इतना ज़्यादा पूरे स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। क्योंकि छोटे पैनी शेयर होने के कारण इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर इसका चार्ट देख सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाते हैं वोडाफोन आइडिया का। कभी ये स्टॉक्स देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ से एबव का हुआ करता था, और जैसे जैसे जियो आया, जब से जियो आया देख सकते हैं 2015 इसके बाद जियो आया, जियो आने के बाद ये जो शेयर है लगातार नीचे आ रहा है, देख सकते हैं लगातार ये नीचे का मूवमेंट पकड़े हुए, और अभी आप देख सकते हैं इसमें कितना शार्प, यहाँ पर देख सकते हैं 2017 जब से जियो आया है तो इसमें कितना का डिक्रीज हुआ है देख सकते हैं, इसमें 100% के अप्रॉक्स डिक्रीज हुआ है, मतलब ये लगभग 97% करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक्स। तो देखिए इतना ज़्यादा का करेक्शन आपको इसमें देखने मिल रहा है। तो चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं कि क्या इसका आगे का सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं चार्ट पे। तो देख सकते हैं ये हमारा जो ऊपर का ब्लू लाइन है, ये है 200-डे मूविंग एवरेज, जो कि शो कर रहा है 6 रुपीज़ 47 पैसा को, और ये हमारा 100-डे मूविंग एवरेज, और 100-डे मूविंग एवरेज जो प्राइस है वो है हमारा 100-डे मूविंग एवरेज प्राइस 4 रुपीज़ 69 पैसा, और उसके बाद ये जो येल्लो लाइन है, ये येल्लो लाइन हमारा है 50-डे का मूविंग एवरेज, 50-डे मूविंग एवरेज पे इसका प्राइस है 4 रुपीज़ 7 पैसा, और उसके बाद सबसे नीचे जो ब्लू लाइन है ये हमारा है 20-डे मूविंग एवरेज, जिस पे प्राइस है 3 रुपीज़ 95 पैसा। तो देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने 100-डे मूविंग एवरेज और 200-डे मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे है, और ये अपने 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो सारे स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया है, तो इस पैनी शेयर में भी करेक्शन आया है।
और यहाँ से RSI देख सकते हैं। RSI अपने नॉर्मल जोन में है। अगर RSI के बारे में नहीं जानते हैं तो शॉर्ट में बता दें कि 30 से 70 के बीच जो RSI रहता है वो नॉर्मल माना जाता है। इससे नीचे रहेगा 30 से तो उसको ओवरसोल्ड पोजीशन कहते हैं, और उस ये 70 से ऊपर चला जाए तो उसको ओवरबॉट जोन बोलते हैं। तो आपको 70 से ऊपर जब RSI जाता है तो सेल कर देना चाहिए पोजिशनल ट्रेड को, और 30 से नीचे आता है तो उसे बाय करना चाहिए। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि धीरे धीरे आगे के वीडियो में हम बताएंगे। तो ये कुछ चार्ट है इस तरह का वोडाफोन आइडिया का। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब तक कंपनी में अच्छे क्वार्टर रिजल्ट नहीं आ जाते, जैसे इसका डेप्ट कम नहीं हो जाता, तब तक आप इस शेयरों से दूर रहें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की हालत अभी ख़राब है। क्योंकि जियो मार्केट का लीडर है, उसके बाद एयरटेल आ गया, उसके बाद वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है, और भी बहुत सारे न्यूज है जिसके कारण आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि द ग्रॉस डेप्ट एक्सक्लूडिंग लीज लाइबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कुल जो हमारा डेप्ट है वो है 1,15,850 करोड़। कुल इतना का डेप्ट है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जबकि हम लीज लाइबिलिटी को छोड़ देते हैं उसके बाद। अब यहाँ पर कह रहा है इसमें इंक्लूडिंग है डिफर्ड स्पेक्ट्रम चार्ज ऑफ 88,530 करोड़। दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वोडाफोन आइडिया के पास वो है 12,530 करोड़। इतना कैश इक्विवेलेंट है वोडाफोन आइडिया के पास। कंपनी हैज ए नेट डेप्ट ऑफ RS, तो नेट डेप्ट कितना आ गया आप 1,15,000 में जो है जो कैश और इक्विवेलेंट है उसको माइनस कर दीजिए, मतलब 12,000 को, तो बच जाएगा 1,03,310 करोड़। तो कुल इतना का डेप्ट है कंपनी के पास 1,03,310 करोड़। कुल इतना का डेप्ट है कंपनी के पास 1,03,310 करोड़ का। तो उसी के साथ हम आपको आगे दिखाते हैं कि AGR ये जो डेप्ट है उसके बाद AGR का जो कॉस्ट है वोडाफोन के ऊपर वो है हमारा 53 करोड़ का। तो ये सारे जब तक मामला सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आपको वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ये जो आपको डेप्ट हमने दिखाया ये अपडेट किया हुआ देख सकते हैं, ये 15 फरवरी का अपडेटेड है। देख सकते हैं यहाँ पर 14 फरवरी 2020 इसमें अपडेटेड किया हुआ ये डेप्ट है वोडाफोन आइडिया के पास अभी की कितना डेप्ट है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं वोडाफोन रिपोर्टेड ए डिक्लाइन ऑफ इतना मिलियन सब्सक्राइबर इन इट्स सब्सक्राइबर बेस। 2019 नवंबर में वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेस में 36 मिलियन जो है कमी आई है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं स्टॉक्स को, और ये फैक्टर इसी तरह चलता रहा तो निश्चित है कि ये 4 रुपये का शेयर 50 पैसे पे भी आ सकता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपका जब 4 रुपये से 50 पैसा आएगा तो आपके जो मनी है वो कितना लॉस कर जाएगा, वो आपका मनी जो है सारा का सारा एक तरह से कहिए 80% मनी आपका लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं वोडाफोन फेसेस बैलेंस AGR ड्यूज ऑफ 53,500 करोड़। इतना करोड़ का AGR ड्यूज है। अगर AGR ड्यूज में रिलीफ मिल जाता है वोडाफोन आइडिया को निश्चित है तब इसका शेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो AGR ड्यूज है वोडाफोन आइडिया के ऊपर ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। ये बहुत ही पुराना न्यूज़ है, बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि पुराना न्यूज़ ही क्यों दिखा रहे हैं पुराना न्यूज़, तो अभी नया न्यूज़ इसमें आया नहीं है। जैसे ये इसमें कुछ मतलब रिलीफ मिल जाता है वोडाफोन आइडिया को तब वो नया न्यूज़ होगा, लेकिन अभी इसमें कोई न्यूज़ नहीं है नया न्यूज़। मतलब ये सारा अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं आपकी पिछले 2 महीना से कोई भी नया कार्य नहीं हो रहा है। जैसे हम पहले इस पैंडमिक सिचुएशन जो सिचुएशन अभी हमारा चल रहा है लॉकडाउन का, इससे बाहर आते हैं तभी तो कुछ नया न्यूज आएगा। अभी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है इधर देख सकते हैं। तो इन मतलब जो टेलीकॉम कंपनी है इसको जैसे रिलीफ पैकेज मिलता है AGR ड्यूज पर, तब इसमें आपको तेज मोमेंटम देखने मिल सकता है इन सारे स्टॉक्स में। तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने से पहले।
आप इसमें एक मल्टीबैगर रिटर्न की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब इसमें AGR ड्यूज में रिलीफ मिलता है और वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपको उम्मीद है, अगर आपका रिसर्च बता रहा है कि वोडाफोन आइडिया आगे चल के टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो निश्चित है इसका शेयर जो है आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देगा आगे चल करके, क्योंकि आगे जो है जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें बूस्ट आने वाला है, क्योंकि तीन ही कंपनियां हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया, जो कि इस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। और जियो ऑलरेडी कर रहा है और वोडाफोन आइडिया का उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करे। फिर इस सारे सेक्टर में, मतलब इस सेक्टर के सारे शेयर में अभी आप देखिएगा बहुत ही तेज मोमेंटम देखने मिल रहा है। अभी आपको एयरटेल का भी शेयर लगातार उस पर देखिएगा अपर ट्रेंड में है, लगातार उसमें तेज मोमेंटम देखने आपको मिलेगा। तो निश्चित है कि इन सारे शेयर में अगर डेप्ट कम हो जाता है, AGR में रिलीफ मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।